25 जुलाई गुरुवार को झालरापाटन में अचानक मूवीज बस स्टैंड पर प्राइवेट बसें लगने लगी और इस पर रोडवेज कर्मचारियों ने आपत्ति जताई तो पता चला कि नगर पालिका चेयरमैन के आदेश है। इस पर चेयरमैन को फोन किया गया परंतु जैसा झालरापाटन में मशहूर है वो फोन नहीं उठाते और वही हमेशा की तरह वर्षा और चांदवार द्वारा फोन नहीं उठाया गया। नगर पालिका में फोन लगाकर जानकारी ली गई कि रोडवेज बस स्टैंड पर प्राइवेट बस कैसे लग रही है। इस पर चेयरमैन प्रदीप द्वारा कहा गया कि नगर पालिका की संपत्ति है, रोडवेज बस स्टैंड बस खुद लगेगी, प्राइवेट भी, जो कि झालरापाटन में स्थित बस स्टैंड पर कई वर्षों से रोडवेज बसें ही लगती आ रही हैं। इस पर सभी रोडवेज के कर्मचारी चेयरमैन से बात करने के लिए पालिका बस लेकर विरोध करने पहुंचे और इस पर कर्मचारी को तीखी बहस भी चेयरमैन पति से हो गई और उसने चेयरमैन को बुलाने की बात कही। अधिशासी अधिकारी ने बात को संभालते हुए कर्मचारियों से बात की और कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी करते हुए कहा कि झालावाड़ आगार के सभी चालक परिचालक झालरापाटन बस स्टैंड पर निजी बसों का विरोध करेंगे और नहीं मानती है पालिका चेयरमैन तो एक भी रोडवेज बस झालरापाटन बस स्टैंड पर नहीं लाकर अनियंत्रित बाहर से ही निकाल।